मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में जेसन जॉर्डन और सेथ रॉलिंस ने सिजेरो और शेमिस को हराते हुए रॉ टैग टीम चैंपियनशिप पर कब्जा करते हुए सबको चौंका दिया। हालांकि इस जीत के साथ जेसन जॉर्डन ने एक ऐसा इतिहास रचा है जो मौजूदा रोस्टर का कोई भी सुपरस्टार नहीं रच पाया है। जी हां, जॉर्डन पहले ऐसे सुपरस्टार बन गए हैं जिन्होंने एनएक्सटी टैग टीम चैंपियनशिप, स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप और रॉ टैग टीम चैंपियनशिप पर कब्जा किया हो। जॉर्डन सबसे पहले अपने पूर्व साथी चैड गेबल के साथ अमेरिकन अल्फा के तौर पर 68 दिनों तक एनएक्सटी टैग टीम चैंपियन रहे थे, जिसके बाद इन दोनों ने 27 दिसंबर 2016 को हुए स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में फैटल चारवे एलिमिनेशन मैच जीतकर स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप पर कब्जा किया था। इस बार वो 84 दिनों तक चैंपियन रहे थे। जॉर्डन ने ठीक एक साल बाद पहली बार रॉ टैग टीम चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया है। इसके अलावा जेसन जॉर्डन स्मैकडाउन और रॉ टैग चैंपियन बनने वाले वो न्यू डे बाद दूसरे सुपरस्टार भी बने। आपको बता दें कि डीन एम्ब्रोज के चोटिल होने के बाद रॉ के जनरल मैनेजर कर्ट एंगल ने टैग टीम चैंपियनशिप मैच के लिए द बार के विरोधी के तौर पर जेसन जॉर्डन को सेथ रॉलिंस को ही उनका पार्टनर बना दिया था। हालांकि रॉलिंस इससे खुश नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अंत में जॉर्डन ने सबको गलत साबित किया और अपनी टीम के लिए पिन उन्होंने ही हासिल किया था। पिछले हफ्ते भी रोमन रेंस की गैर मौजूदगी में जेसन जॉर्डन ने शील्ड में उनकी जगह ली थी और द बार और समोआ जो के खिलाफ हुए मैच में सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज के वो पार्टनर बने थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि रॉलिंस और जॉर्डन कैसे टैग टीम पार्टनर के